नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं को 1,000 रुपये महीना यानी कि एक साल में 12,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई थी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है, फॉर्म वगैरह आ चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसको फॉर्म को कौन कौन भर सकता है और ये जो 1,000 का लाभ मिलने वाला है वो किन किन महिलाओं को मिलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ जानने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। तो आइए हम लोग पहले इस योजना के बारे में जानते हैं, मैया सम्मान योजना। तो इसमें जो है हर बहना को, हर महिला को 12,000 रुपये दिए जाएंगे हर साल, यानी कि प्रत्येक महीने 1,000 रुपये की राशि आपके खाते में डायरेक्ट भेजी जाएगी सरकार की ओर से। तो आवेदन फॉर्म जो है भरने के लिए कोई पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री है, निशुल्क है और 3 अगस्त से आवेदन जो है वो शुरू हो चुका है। आवेदन जमा करते समय जरूरी जो दस्तावेज है वो आधार कार्ड लगेगा और वोटर कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो एक लगेगा और आधार से जुड़ा हुआ बैंक खाता लगेगा। ठीक है, जिनके पास बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं है उनका भी भराएगा, लेकिन उनको जो है दिसंबर तक अपने खाता को आधार से लिंक करवा लेना। तो बस इतना ही करवाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करवाना है। फॉर्म कहाँ जमा करनी है मैं आपको फॉर्म भी उपलब्ध करवा रहा हूँ, तो फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करनी है वो भी बताऊँगा। ठीक है, लिंक वगैरह भी मैं आपको दे दूंगा कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, 3 से लेकर 10 अगस्त तक विहित प्रपत्र में आवेदन जमा करने हेतु विशेष कैंप का आयोजन किया गया है। तो 3 तारीख से लेकर 10 अगस्त के बीच में आप जो है अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो प्रत्येक पंचायत भवन में, आपके नज़दीकी पंचायत भवन में जमा होगा। अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो जिला आयुक्त द्वारा चयनित केंद्र में जमा किया जाएगा। ठीक है, विशेष कैंप के बाद भी अगर ये 3 से लेकर 10 तारीख तक आप जमा नहीं कर पाते, ठीक है, तो उसके बाद भी आप जमा कर सकते हैं, लेकिन विशेष कैंप के बाद भी आवेदन जो है नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में कभी भी जमा किया जा सकता है। ठीक है, कभी भी, इसमें कोई लास्ट डेट वगैरह नहीं है, आप जाके कभी भी प्रज्ञा केंद्र में जमा कर सकते हैं 10 तारीख के बाद, या फिर आप जाइए डायरेक्टली अपने पंचायत भवन में, 3 से 10 तारीख तक जमा हो रहा है, पंचायत भवन में जाके जमा कर सकते हैं। चलिए, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, फॉर्म में क्या क्या भरना है वो भी देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं फॉर्म आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र, निशुल्क है, बिल्कुल फ्री है, बस इसको डाउनलोड करके भर के भेज देना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जो है एक फोटोग्राफ, कलर फोटोग्राफ चिपकानी है। ठीक है, फोटोग्राफ चिपका देना है यहाँ पे अपना फोटो, और उसके बाद आवेदिका का नाम लिखना है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए योजना है तो महिला का ही नाम लिखेंगे, और यहाँ पे जो नीचे में है वो महिला के पिता या पति का नाम यहाँ पे भरना है। ठीक है, शादीशुदा है तो पति का नाम भरे, अगर अविवाहित है तो अपना पिता का नाम भर सकते हैं। पता यहाँ पे पूरा लिख देना है, जैसा कि ग्राम या मोहल्ला, थाना हो गया, पंचायत या वार्ड नंबर, प्रखंड या फिर अंचल कार्यालय जहाँ भी है वो आप लिखें, फिर जिला का नाम लिखें, मतदाता पहचान पत्र संख्या यानी कि वोटर कार्ड का नंबर जो आपका है, वोटर कार्ड का, वो आप यहाँ पे भर लिख देंगे, जो भी आपका है वो लिखेंगे। ठीक है, जो भी आपका है वो लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे आधार नंबर है तो 12 अंकों का है, आप देख पा रहे होंगे, एक तो देख सकते हैं 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर यहाँ पे भर देना है आपको। फिर यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट का नंबर यहाँ पे भर देना है, और खाता जो है आधार से लिंक है कि नहीं है, अगर लिंक है तो आप इस पे टिक लगा देंगे, अगर नहीं लिंक है तो आप इस पे टिक लगाएंगे। ऐसा तो सभी का लगभग खाता जो है लिंक रहता ही है, तो आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इस पे ही आपको टिक कर लेना है। फिर यहाँ पे दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है, यानी दिसंबर 2024 के बाद अगर आपका लिंक नहीं है तो दिसंबर 2024 तक आपको लिंक करवा लेना है अपना अकाउंट, और बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम लिखेंगे, IFSC कोड लिखेंगे, और राशन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखेंगे, पैन कार्ड का नंबर लिखेंगे, और आपका कोटी क्या है, कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी है तो सामान्य करेंगे, SC है तो अनुसूचित जाति करेंगे, ST है तो आप अनुसूचित जनजाति करेंगे, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग, EBC है तो EBC करेंगे, जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जो भी आपका है, अगर SC है तो SC लिखें, अगर ST है तो ST लिख दें। ठीक
है, जो भी आपका है उसे लिख दें। अब यहाँ पे आयु आपकी कितनी हो रही है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उम्र जो है, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उम्र जो है यहाँ पे आपको कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 21 से ऊपर ही होना चाहिए। 21 से लेकर, उम्र जो है 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। झारखंड के निवासी होना चाहिए, ठीक है, झारखंड का निवासी होना चाहिए और 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। अब देखिए और इसमें क्या क्या भरना है फॉर्म में, मैं ये भी आपको पूरा कंप्लीट दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे। अब देखिए आवेदिका का पहचान चिन्ह यहाँ पे भरना है, जन्म तिथि यहाँ पे भरनी है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर लेना है, उसके बाद पहचान चिन्ह यानी शरीर पे तिल का निशान, कटे का निशान जो भी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तिल का निशान है तो तिल का निशान लिख देंगे। आवेदिका का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे आवेदिका जो है विवाहित है या अविवाहित है, अगर विवाहित है तो हाँ करें, अगर कुंवारे हैं तो यहाँ पे नहीं पे टिक करें, ठीक है। आवेदिका की स्थिति क्या है, विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है, अगर कुछ है तो इस पर टिक करें, नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है, खाली छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आधार कार्ड, संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि जो जो डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, जैसे कि आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे बैंक खाता का पासबुक दे रहे हैं तो पासबुक यहाँ पे टिक कर देंगे, राशन कार्ड दे रहे हैं तो राशन कार्ड का टिक कर देंगे, वोटर कार्ड दे रहे हैं तो इस पर टिक कर लेंगे, पैन कार्ड दे रहे हैं तो पैन कार्ड को टिक कर लेंगे, और स्व घोषणा पत्र दे रहे हैं तो इसको आपको टिक कर देना है। स्व घोषणा पत्र देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे दिया हुआ है तो इसको भर के आपको देना है, तो सभी में आपको इतने में टिक लगा देना है और सभी का फोटोकॉपी इसके साथ लगा के देना है, और फोटोकॉपी पे जो है अपना सिग्नेचर भी जरूर कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे डेट डेट डाल देना है, ठीक है, फिर यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह कर देना है या फिर अंगूठे का निशान लगा देना है। और स्व घोषणा प्रमाण पत्र में आपका नाम होगा, पिता पति का नाम होगा, उम्र होगा, पूरा एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, ये सब करके आप नीचे आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह या फिर अंगूठा कर सकते हैं, अंगूठा लगा सकते हैं। उसके बाद जो सत्यापन प्रतिवेदन है यहाँ पे भी अपना नाम भरना है, पति का नाम भरना है, पूरा एड्रेस लिख देना है मोबाइल नंबर के साथ, जिला वगैरह सब कुछ भर देना है, ब्लॉक वगैरह, पंचायत वगैरह सब कुछ, थाना भर के उसके बाद यहाँ पे आना है और इस पे भी आपको टिक कर देना है। इस पे आपको टिक नहीं करना है, ये वाला खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये जो है जो जांच करेंगे जांच अधिकारी के लिए है, तो इस पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको भर के रहने देना है। और यहाँ पे उम्र जो है आपका आधार कार्ड में कितना है, उस आधार कार्ड में जितना है वही दीजिएगा, अगर 21 वर्ष है तो 21 वर्ष दीजिएगा, 25 है तो 25 दीजिए, जो भी आपका आधार कार्ड में उम्र है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे, पावती रसीद है तो पावती रसीद में आपको यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में कुछ नहीं भरना है, खाली रखना है, यहाँ पे नाम भर देना है, पिता या पति का नाम भर देना है, पूरा एड्रेस वगैरह भर देना है और डेट वगैरह इसमें नहीं डालना है, डेट नहीं डालना, और यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस पे इस सेक्शन पे जो अधिकारी है वो सिग्नेचर अपना करेंगे, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे इतना ही था फॉर्म में, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका लाभ जो है आपको 1000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मिलेगा, यानी साल में 12000 रुपये आपको मिलना है। और अगर कुछ जानकारी चाहिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है और इसके बारे में अगर कुछ दिक्कत आती है आपको, तो इस नंबर पे शिकायत भी कर सकते हैं। देखिए नंबर जो है 1800890020215 है, टोल फ्री नंबर है, इसमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं कटेगा, तो सीधे आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो डाउनलोड करने के लिए देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप रोजगारबिहार.com पे चले जाएं, रोजगारबिहार.com पे भी ये आपको डाला हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर डाला हुआ है, वहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।